हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल शोभा पहाड़ी ब्लॉगर। तो आप लोगों का स्वागत है फिर से मेरे ब्लॉग में, और आई होप आप सब ठीक है और मैं ठीक नहीं हूँ। तभी मेरी वीडियो जो है वो आ नहीं रही है क्योंकि मुझे जो है फीवर लग गए थे और सर में दर्द और जुकाम हो गया था साथ में, और खांसी वगैरह बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो अभी थोड़ी सी दवाई खा के थोड़ा सा फर्क पड़ा है, और घास वगैरह बहुत मुश्किल हो गया है करना। ऐसे हालत में कैसे करूं, मेरे जो है पैर ही नहीं चलते हैं जब मैं काम करती हूं, बोझे के साथ मेरे से चला नहीं जाता है। और एक तो बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है और ऐसे में ओस बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो घास लाना बहुत मुश्किल होता है। तो जुकाम हो गया ना, उसकी वजह से अगर ऐसे घास करेंगे मतलब तो और ज़्यादा भी हो सकता है जुकाम। तो एक तो सूखा घास जो है बहुत कम रह गया है, मतलब घास भी करना पड़ता है। तो कल भी मैं दोपहर खाना खाने के बाद गई थी, मतलब तो आप लोग देख सकते हैं मेरी हालत कैसी हो गई है। और गांव में ना कुछ एक बच्चे तो बोल रहे हैं कि हिमांशु तेरी मम्मी को कोरोना हो गया है, और वो मेरे बच्चों को तक आने नहीं दे रहे अपने घर में। उनको लग रहा है कि मेरे को कोरोना हो गया है, बट अभी मैं पहले से बहुत बेटर फील कर रही हूँ, क्योंकि पहले तो मेरे से उठा भी नहीं जा रहा था, मतलब सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी। और डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कि ऐसा वैसा कुछ नहीं है, कोरोना के कोई भी लक्षण नहीं है, आप डरो मत। तो दवाई दी डॉक्टर ने, तो मैंने दवाई खाई, तो रेस्ट भी की, तो अब मैं पहले से बेटर फील कर रही हूँ। और अभी मैं गौशाला को जाने में भी कोई कठिन नहीं समझ रही हूँ, क्योंकि पहले तो मेरे को मतलब मेरे से ना गौशाला में भी नहीं पहुंचा जा रहा था। जब चलती थी तो पैर थक जाते थे नीचे से, घुटने के नीचे से बहुत ज़्यादा थक जाते थे। तो अभी मैं पहले से ठीक हूँ, और आप लोगों की जो है दुआ काम लाई, सब लोगों ने कहा था कि आप ठीक हो जाओ जल्दी से, तो मैं ठीक हो गई हूँ। तो थैंक यू फ्रेंड, आज की शॉर्ट्स वीडियो आप लोगों के लिए, उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करना और शेयर जरूर करना। थैंक यू, बाय बाय, मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉग के साथ।